जिस मुद्दे पे लेके आए हम जो सुबह से बात कर रहे हैं, ब्रह्मसती डैम करके एक फॉरेस्ट एरिया में ब्रह्मसती डैम बहुत सालों से पेंडिंग है वो डैम, और उस क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम ऑफ आदिवासी गौली समाज जहाँ पे रहते हैं आज वहाँ पर ब्रह्मसती डैम के लिए कई सालों से फॉलोअप हो रहे हैं, और सिडको ने उसके सर्वे के लिए 8 लाख रुपए दिए हैं कि ये ब्रह्मसती डैम को सर्वे करने के लिए। महाराष्ट्र से सिडको ने 8 लाख रुपए में कोई सर्वे, मुझे तो नहीं लगता है ब्रह्मसती का क्लियर होता है। और आज हम वहां पर पानी के लिए टैंकरों से लोगों को पीने के लिए पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे आप बताइए कि अगर आप पानी टैंकरों से लोगों को दे रहे हैं और इतने सालों से वो टूरिस्ट एरिया है, चिकलदारा करके वो बहुत फेमस विदर्भ में टूरिस्ट एरिया है, सिर्फ पानी की समस्या के वजह से वो पूरे महाराष्ट्र में आज तक नोन नहीं हो पाया। हम जब टैंकर से पानी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके पीछे अगर गवर्नमेंट के पैसे देखते हैं कि कितने वेस्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर वो डैम आएगा, हम किसानों के खेतों में पानी प्रोवाइड करने के लिए सिंचनों की योजना ला रहे हैं, तो अगर उस क्षेत्र में अगर हमने ब्रह्मसती डैम की प्रोविजन करी और ब्रह्मसती डैम अगर वहां पे चिकलदारा में लाया, तो वहां के आदिवासियों को, गौली समाज को, परतवाड़ा, आंचलपुर, दरियापुर, ऐसे जितने भी क्षेत्र उसके आजू बाजू है, तो वो डैम के द्वारा उनको वहां पर सुविधाएं हो सकती है। किसानों के खेतियों की हम बात करते हैं, वहां पर हम पानी पुराने की बात करते हैं, पानी पहुंचाने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है पीने के लिए पानी, और अगर वहां पर ब्रह्मसती डैम लाया गया तो वहां पर टूरिज्म बढ़ेगा। अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो वहां के लोकल लोगों को, जो लोग दूसरे स्टेट में जाके रोजगार करते हैं, शायद वहां के बच्चों को वहां पर ही रोजगार मिलेगा। तो ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। और मैं मिनिस्टर जी से एक और विनंती करूंगी कि हम सभी सिक्योरिटी के लिए, इसके लिए बहुत चीजों के लिए, क्योंकि रत्नागिरी में जो पिछले 3 तारीख को जुलाई में जो डैम का एक दुर्घटना हुई है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से रत्नागिरी में 14 साल का बना हुआ डैम, अगर उसकी सिक्योरिटी लूज करते हैं हम, अगर वहां पर लोगों को हानि होने की डर होती है, तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर, जिस कंपनी को हम डैम बनाने की प्रोजेक्ट देते हैं, तो हमने आने वाले समय में उसके लिए कमिटी में कि मेंटेनेंस वो कॉन्ट्रैक्टर और वो कंपनी करना चाहिए, ताकि वो बनाने के टाइम पे उतनी सिक्योरिटी रखेगा। कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है तो इतना अच्छा बनाता है कि 50 साल वो घर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जवाबदारी हम खुद लेते हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर को हमने जवाबदारी दी कि 20 साल उसका मेंटेनेंस आपने करना है और आपकी कंपनी ने करना है, तो मुझे लगता है कि जो डैम को हानि हो रही है, जो डैम की दुर्घटना से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उससे हम कहीं ना कहीं सेव हो सकेंगे। और जिस हिसाब से आज डैम के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो 2 इयर्स 3 इयर्स हम टाइम लिमिट देते हैं सरकार की, 3 साल में 4 साल में हमारा डैम का प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। एग्जाम्पल कि हम 200 करोड़ रुपीज वो डैम के प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो प्रोजेक्ट 10 साल लेता है तो मुझे लगता है वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो जाता है 900 और 1000 अबव। ये एग्जाम्पल है, अगर हमने उस पे जरूर जोर दिया कि जो लिमिट ऑफ डैम का प्रोजेक्शन का बनने का जो काम है, अगर वो लिमिट जो टाइम दिए अगर उसमें बनाते हैं, तो मुझे लगता है हमारे सरकार के जो पैसे, बेसिकली वो सरकार के पैसे नहीं है, पब्लिक के पैसे हैं, जो वेस्ट होते हैं। 200 प्रोजेक्ट से 1000 करोड़ होना, उसके लिए बहुत ज्यादा डिफ्रेंसेशन होता है, तो मुझे लगता है उस पर हमने जरूर ध्यान देना चाहिए। और इसी को रिलेटेड एक सिंचाई का, जो पिछले कई सालों से हमारे क्षेत्र में बहुत सारे पीड़ित लोग हैं सिंचित, 2 ही मिनट, ये बहुत जरूरी विषय है, उसके साथ में रिलेटेड है। सिंचाई के साथ में जितने हमारे पुराने 20 सालों से 25 सालों से हर डैम के लिए, सिंचाई के लिए जो किसानों के जगहें खेती गई है, उनको उस समय जो पैसे दिए गए हैं, 20 साल पहले जो पैसे दिए हैं, मुझे लगता है आज उनके परिवार को ना खेती है, ना काम है, ना उनके बच्चों को कोई नौकरियां हैं। तो मेरी आपसे विनंती है और मिनिस्ट्री से भी विनंती है, अध्यक्ष महोदय, कि जिनकी भी जमीनें, जैसे हमारे यहाँ पर पीढ़ी प्रकल्प, जो टाकड़ी प्रकल्प है, चंद्रभागा प्रकल्प है, बागड़ी प्रकल्प है, सामदा प्रकल्प है, बागड़ी प्रकल्प है, वागाड़ी प्रकल्प है, वास्ती प्रकल्प है, करसगांव प्रकल्प है, आपको 2 मिनट तो देना ही चाहिए, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। और वो जितने भी प्रकल्प में
ये प्रकल्पों में जिनकी जमीनें गई हैं, अगर उनको आज हमने एक बार जरूर सोचना चाहिए कि जितनी जमीनें ये किसानों की उसमें गई है, आज के रेट से उनको उनको 50% एटलीस्ट बढ़ा के उनका रेट ऑफ जो जमीन का भाव जब 20 साल 10 साल 5 साल पहले था, उनको आज के हिसाब से उनको उनके पैसे देने चाहिए, क्योंकि उनके पास ना जमीन है, ना नौकरी है, ना काम है, कुछ नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी विनंती करूंगी कि उन किसानों को आगे बढ़ने के लिए उनको मदद हमने आज के हिसाब से उनको पैसे देने चाहिए। और मैं अध्यक्ष महोदय आपसे एक जरूर नॉलेज के लिए पूछना चाहूंगी, मंत्री महोदय से भी, कि नंबर ऑफ डैम कंप्लीटेड 5,264 और उसमें जो नंबर ऑफ फेलियर रिपोर्टेड है डैम की, उसमें 36 फेलियर है पूरे डैम के, उसकी जो रिपोर्ट है उसमें 4 महाराष्ट्र में फेलियर जो डैम के हुए हैं, सिर्फ उसमें मैं थोड़ी सी जानकारी मंत्री महोदय से मांगना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में जो 4 फेलियर डैम हुए हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं और उसके लिए आगे क्या प्रोविजन है। थैंक यू सो मच जी।